आज के क्लास में आप लोगों को रिलेशन फंक्शन का एक्सरसाइज 2.3 पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से समझिए। इसके पहले हम 2.3 पढ़ा रहे थे, उसमें हम आप लोगों को फंक्शन के डिफिनीशन भी बताए थे और उसमें डोमेन रेंज की भी हमने चर्चा की थी, बताए थे। आज हम उसी में प्रश्नावली 2.3 में पहला सवाल जो है उसके विषय में पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आप पहले चिन्हित करिए कि कौन सा फलन है क्या नहीं, फंक्शन है कि नहीं, और अगर फंक्शन है तो उसका रेंज क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का, ये पहला क्वेश्चन। देखिए इसको ठीक से। निम्नलिखित संबंध में कौन से फंक्शन है, और अगर वो रिलेशन फंक्शन है तो उसका परिसर भी बताओ। ये और हम फंक्शन आपको पिछले वाले वीडियो में के लास्ट में लेक्चर कौन सा चौथा लेक्चर था या पांचवा लेक्चर था, उसमें हमने सब ठीक से आपको सिखा दिया था। आज उसी से आगे बढ़ें। तो ये सेट है पहला 2-1 का ऑर्डर पेयर, 5-1 का ऑर्डर पेयर है, 8-1 है, फिर 11-1, फिर है 14-1 और फिर है 17-1। ये और ये सेट के रूप में मिडिल ब्रैकेट से बंद है। पूछा जा रहा है कि इसको बताइए आपका फंक्शन है कि नहीं। तो स्टूडेंट फंक्शन के लिए ध्यान दीजिएगा, सेट ए और सेट बी दो सेट के माध्यम से बताए थे हम कि सेट ए के यानी पहले वाले सेट के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध जो है, रिलेशन जो है, सेट बी में यूनिक्यू होना चाहिए यानी अद्वितीय होना चाहिए। इसका मैंने इधर वाले का इधर वाले में सेट बी में एक से अधिक नहीं होना चाहिए, इसका इधर वाले सेट ए का सेट बी में एक से अधिक नहीं, मैंने इफ़ एंड ओनली इफ अद्वितीय केवल एक होना चाहिए। माने इमेज में बीच में अगर दर्पण रख दिया जाए तो इधर वाले का जो प्रतिबिंब इसमें बने वो यूनिक्यू हो, अद्वितीय हो, केवल एक हो, ठीक है, अलग अलग नहीं हो कि इधर के इधर, तो मान इधर के कई का इधर एक में हो सकता है, इधर के एक का इधर कई प्रतिबिंब नहीं बन सकते, ये मतलब है, ठीक है। पिछले वीडियो में इत्मीनान से पूरा समझाए वो लास्ट में इसमें। तो यहाँ आप देखिए इसको समझने के लिए अगर वेन डायग्राम का सहारा लें तो बहुत आसान हो जाएगा और आप आसानी पूर्वक बता पाएंगे, है ना। उसमें हम बता रहे हैं इसको वेन डायग्राम के माध्यम से, इसको हम ए मान रहे हैं, इधर इसको हम बी मान ले रहे हैं, ठीक। तो जैसे जानते हो पहले जो एक ऑर्डर पेयर का जो पहले एलिमेंट हैं ये डोमेन कहलाते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज कहलाते हैं। तो ये पहला एलिमेंट 2 है, फिर 5, फिर 8 है, फिर 11, फिर 14 है, फिर 17 है, ये सेट ए के एलिमेंट मान लिया गया। और बी में सेकंड एलिमेंट है वो केवल ओनली वन एक है, और एक सेट में एक ही बार लिखा जाता है ना, इसमें एक बार लिखेंगे बार बार तो लिखेंगे ना इसमें। अब यहाँ ध्यान दें कि 2 का 1 से संबंध है, इस प्रकार से रेशन एरो लगा के बताया जाता है। 5 का भी 1 से संबंध है, एरो लगा दें। 8 का भी 1 से संबंध है, 11 का भी 1 से संबंध है, और 14 का भी 1 से ही संबंध है, और 14 के बाद 17 का भी 1 से ही संबंध है। ये संबंध है, रिलेशन है, इसको हम आर कह सकते हैं, आर। अब इसमें देखो अगर ये यहाँ पर एक दर्पण रख दिया जाए शीशा, इनके सब के जो प्रतिबिंब है यहाँ एक ही बन रहे हैं, ठीक है, यूनिक्यू है, अद्वितीय है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन है, ये क्या है, फलन है, है ना, अद्वितीय। माने इसके अलग अलग, इसके अलग अलग हो, इसका कई का एक में संबंध हो, इधर इधर जो है एक का इधर कई से नहीं होना चाहिए, इधर एक एलिमेंट जैसे 2 का 1 से हो जाता और 2 का ही आगे 3 से लिखा मान लो मिल जाता, कोई और गिनती होती उसमें भी हो जाता, तो वो फंक्शन नहीं माना जाता। इसकी एक ट्रिक हम बताए थे पिछले वीडियो में, वो हम बताए थे प्यूपिल और बोट करके, माने इधर वाले को मान ले लोग, माने मनुष्य कह लें, मैन कह लें, मैन कह लें, इधर कह लें बोट, नाव, ये नाव हुआ, ये लोग हुआ, मैन हुआ, आदमी हुआ, ठीक है। तो आप नाव और
मैन में माने लोग और नाव में संबंध कैसे करेंगे जाने का, है जाना है नाव से इस पार से उस पार, गंगा जी इस पार करना गंगा जी में या जमुना जी में, या तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए मनुष्य जो है नाव में बैठेगा, तो एक मनुष्य एक नाव में बैठा, दूसरा मनुष्य भी उसी नाव में बैठ सकता है ना, तीसरा मनुष्य भी उसी नाव में, चौथा मनुष्य उसी नाव में, पांचवा भी उसी, छठवा में, मैंने एक सीमित दायरे तक तो उस नाव में बैठ सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ी के बहुत बैठ जाएंगे, मतलब बैठ सकते हैं दस जो भी बैठना है, जिसको क्षमता होगी नाव के उस क्षमता के बैठ सकते हैं। तो कई लोग एक नाव से जा सकते हैं, लेकिन उसको ध्यान रखिए क्या एक लोग मन एक आदमी दो नाव में जा सकता है, एक यहाँ फिर दूसरे नाव में उसमें पैर रख दे, क्या एक नाव में पैर फिर दूसरे नाव में एक पैर, एक नाव में एक पैर दूसरे नाव में रखे, क्या ऐसा नहीं कर सकता, न होता न व्यवहारिक में संभव ही नहीं है। इसीलिए यही व्यवहारिकता को हम ट्रिक के रूप में यहाँ बता रहे हैं, ताकि आप फंक्शन बताने में बहुत सहूलियत हो जाए, तुरंत देखते ही आप उसको बता देंगे ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कई लोग एक नाव से जा रहे हैं, इसलिए यह फंक्शन है, इसलिए यह फंक्शन है, यानी फलन है, ठीक। ये तो अपना ट्रिक बता दिए, और यहाँ कहेंगे इस सेट ए के विभिन्न एलिमेंटों का जो रिलेशन है सेट बी में अद्वितीय है, यूनिक्यू है, इफ एंड वनली इफ है, तो इसलिए ये फंक्शन है, ठीक। पहला क्वेश्चन, अब दूसरा इसको देखिए, दूसरा भी देखिए, दूसरा लिखा है 2142 और 6384 10 5 12 6 14 7 इस प्रकार के ये दूसरा सेट बना है। आपको बताना है, पहचानना है कि ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो उसी प्रकार के प्यारे स्टूडेंट, हम बोट और नाव का एग्जाम्पल रख दें और हम इसको वेन डायग्राम के रूप में लिख लें तो सहूलियत रहेगी। वैसे आप देख सकते हैं 2 का रिलेशन 1 से है, 4 का रिलेशन 2 से है, 6 का 3 से है, है ना, 8 का 4 से है, 10 का 5 से है, 12 का 6 से है, 14 का 7 से है। तो इसमें आपको थोड़ा डाउट हो सकता है कि इनक्यू कैसे हो रहा है, लेकिन इसी को अगर वेन डायग्राम में तब बना दिया जाए तो बिल्कुल सरल हो जाएगा। देख लीजिए इस प्रकार से, इधर को ए मान लीजिए, इधर को बी मान लीजिए, अब पहले एलिमेंट यहाँ भरेंगे, दूसरा एलिमेंट इधर भरेंगे। तो देखिए 2 है और 2, फिर यहाँ देखिए 4 है। अब संबंध बताते जाइए, 2 का 1 संबंध है तो सीधे लिखते जाइए 2 का 1 से है, इस प्रकार। फिर 4 का 2 से है तो 4 का 2 ऐसे कर दीजिए संबंध। फिर 6 लिख करके 6 का 3 से है, 3 बन दीजिए, 6 का 3 से। 8 8 का 4 से है तो 8 का 4 बना दीजिए, 8 का 4 से। फिर 10 10 का 5 से है, 10 का 5 कर दीजिए। फिर 12 12 का 6 से है, ये 6 लिख दिया। फिर 14 14 का 7 से है। तो यार स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अलग अलग एलिमेंटों का सेट बी में अलग अलग इमेज है, इसको इमेज कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। तो अलग अलग का अलग अलग है, मैंने है तो अद्वितीय, इसका अपना अलग है, इसका अपना अलग है, इसका अपना अलग है, तो अलग अलग होगा ना, प्रत्येक यूनिक्यू कहलाएगा, अद्वितीय कहलाएगा। तो इसका मतलब दिस इज फंक्शन, यह फलन है, ठीक है, ये भी फंक्शन है, ये अद्वितीय है, मतलब ये हमें लिख देंगे कि प्रथम अवयव के प्रतिबिंब इसमें अद्वितीय है, अलग अलग है, है ना, इफ एंड वनली इफ है, इसलिए यह फलन है, फलन। अब बोट नाव समझ, अलग अलग भाई, अलग नाव से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अलग जा रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से भी फंक्शन हो गया। अब इसी में इसमें तीसरा देखिए, दूसरा ऐसे है, तीसरा तीसरा क्वेश्चन है 1315 और 25, इसका बना दिया गया है, ठीक है, ये बना दिया गया है। अब इसमें आप देखिए, ये सेट दे दिया गया है, इसको रिलेशन आर के नाम से दिया गया है, अब बताना है ये फंक्शन है कि नहीं। सभी को आर ले सकते हैं, आर जैसे रिलेशन, यहाँ भी आर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन, फिर इसको भी वेन डायग्राम बना लीजिए, वेन डायग्राम इसको ए ली बना दीजिए, यहाँ बी कर दीजिए। 1 का संबंध 3 से है, 1 का संबंध 3 से है, फिर 1 का संबंध 5 से है, इसको ध्यान देंगे इस कैसे करेंगे, ये 2 का संबंध 5 से है, 2 लिखेंगे, उसका भी 5 से कर दिया, इस प्रकार से ये रिलेशन आर हो गए।
अब आप देखिए, ये एक लोग दो नाव से जा रहे हैं, तो क्या जा सकते हैं? एक लोग दो नाव से हो सकता है? व्यवहारिकता, व्यवहारिक में संभव है? संभव नहीं है। देखते ही हम बता दिए कि मतलब दिस नॉट फंक्शन, यह फलन फंक्शन फंक्शन नहीं है। इस प्रकार से स्टूडेंट हो जाएगा, आसानी पूर्वक आप लोग बता देंगे, है ना। दो का भले अलग हो, लेकिन ये तो गड़बड़ कर रहा है, ये एक व्यक्ति दो नाव से जा रहे हैं, इसलिए फलन नहीं होगा। इस प्रकार से ये अद्वितीय अद्वितीय नहीं है, है ना, क्योंकि इसी का यहाँ भी है, इसी का यहाँ भी है, एक ही आदमी के दो दो इमेज बन रहा है, एक आदमी का दो प्रतिबिंब नहीं बन सकता, इसलिए फलन नहीं है। ये यहाँ ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, इसका रेंज डोमेन भी कहाँ है? तो पहले वाले का रेंज क्या एक होगा, यहाँ ये तो रेंज हो जाएगा। दूसरे वाले का रेंज एक से छः तक होगा। तीसरे वाले का रेंज भाई, तीसरे वाले में ये कह दिया जाए यह फलन ही नहीं है। और जब फलन ही नहीं है तो रेंज निकालना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन होना जरूरी है। इसलिए अब स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर टू देखिए। निम्नलिखित वास्तविक रियल फलन यानी फंक्शन के डोमेन बताना है और परिसर बताना है। इसको देखिए, पहला का दूसरे का पहला, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का मॉड, ये है, ठीक। पहले इसको देखिए, इसका आप क्या बताना है, इसको आपको प्रांत और परिसर दोनों बता देना। ध्यान दीजिए, इसको जो मॉड लगा होता है, मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू होता है, इतना तो पता ही है ना। मॉड अगर है, कहीं कोई शर्त नहीं लिखा है, तो हम ये मानेंगे वो पॉजिटिव संख्या, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी रखेंगे, मॉड हमेशा निरपेक्ष वैल्यू देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, ऑलरेडी पॉजिटिव बना देता है। ऋण माइनस भी अंदर हो तो मॉड लगा होने से उसको, जैसे माइनस पाँच लगा है, इसको कितना 5 हो जाएगा, 3 लिखा है मॉड लगा 3 हो जाएगा, 0 है तो 0 है ही है भाई, और माइनस 1 है तो मॉड लगा है तो 1 हो जाएगा, तो ऋण है तो प्लस बन जाते हैं, ये मॉड का मतलब होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, तो जैसा हम जानते हैं कि मॉड लगा होता है स्टूडेंट, अच्छा डोमेन और रेंज थोड़ा और फिर चर्चा कर लें। जो एक्स की वैल्यू होती है वो डोमेन होता है, और जो फंक्शन की वैल्यू हो जाती है यानी वाई का जो मान होता है वही उसका रेंज होता है, ठीक। तो यहाँ वाई ये काम करेगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वाई भी कहते हैं, ठीक है। तो इधर ये हमारा रेंज होगा, इधर वाला हमारा डोमेन होगा, है, लेकिन शर्त के अनुसार होगा। अब यहाँ वेन डायग्राम में हम देखते हैं तो इधर वाला हमारा क्या होता है, डोमेन हुआ करता है, उधर वाले जो रिलेटेड होते हैं वो हमारे फंक्शन हो जा, उसके रेंज हो जाते हैं, मैं फंक्शन हो, अगर फंक्शन होना जरूरी है। फिर यहाँ देखिए, अब इसके बाद अब देखिए, ये तो वाई कह दिया हमने, तो आप जैसे जानते हैं चूँकि लिखेंगे मॉड ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर होना चाहिए ना, बहुत कम से कम हो तो जीरो के बराबर हो। एक्स की जो है जीरो से या तो बड़ा होगा मॉड ऑफ एक्स, या जीरो के बराबर हो, जीरो से कम कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मॉड तो नेगेटिव देता नहीं है, इसलिए। अब यहाँ इसमें ध्यान दो, बाहर जो है माइनस लगा है, तो आप भी माइनस लगा दीजिए। अच्छा, ये ग्रेटर देन आर इक्वल को स्टूडेंट इनइक्वलिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, इनइक्वलिटी यानी असामिका, क्या कहते हैं, असामिका। असामिका एक कुछ शर्त हैं, अभी आग ना पढ़े हैं आप, तो हम आपको असामिका भी पढ़ाएंगे, अब क्रम से ही क्रम सब पढ़ाते चलेंगे, असामिका भी थोड़ा बहुत जान लीजिए फिर बताएंगे। सबसे पहले जो छोटा बड़ा लगा हो, या बड़ा का निशान लगा हो, हाँ, या ग्रेटर आर इक्वल लगा हो, या लेस आर इक्वल लगा हो, है ना, तो ये सब इनइक्वलिटी के अंतर्गत आते हैं। इनइक्वलिटी में खासियत ये है, अगर उसमें नेगेटिव माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का चिन्ह बदल जाता है। अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, और लेस होगा तो ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कैसे, क्योंकि प्रश्न में हमारा माइनस भी लगा है, हम इसमें माइनस से गुणा करना चाह रहे हैं इस पर, तो यहाँ माइनस से गुणा कराएंगे इस प्रकार। तो जब माइनस से गुणा हो गए तो इनइक्वलिटी तुरंत चिन्ह हो जाती है, केवल मन चिन्ह बदलने से, गिनती से गुणा करने से नहीं होता, केवल ऋण मैंने साइन बदलने से इनइक्वलिटी बदल जाती है। देखो ये ग्रेटर देन आर इक्वल है, अब क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल हो जाएगा। अब ऋण का गुणा यहाँ भी कराएंगे तो, लेकिन जीरो है, जीरो में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कोई गिनती होती मैंने माइनस दो होता तो माइनस हो जाता, तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो गया। अब इसमें ध्यान रखो, ये माइनस एक्स का मॉड आया, इसको क्या कहा गया है, यही तो एफ एक्स है, इसी एफ एक्स को वाई भी कहते हैं, ठीक। तो इसको हमने y ले दिया, ठीक, लेस देन आर इक्वल लगा दिया जीरो। ये क्या कह लेता है, y ही तो रेंज होता है, यानी जो y अक्ष में मान होता है वो रेंज होता है, परिसर होता है, और जो x अक्ष में जो x के मान होते हैं वो हमेशा डोमेन होता है, यानी प्रांत होता है। ये y का मान निकल आया, तो y का मान क्या आया, जीरो से कम, हम लेस नहीं, नोक लगा इधर कम हुआ, जीरो से कम या जीरो के बराबर, इसलिए इसका जो रेंज बना, इसलिए ध्यान दीजिए, रेंज
रेंज आर इज इक्वल टू लिख दिया जाए, अगर ये रेंज हम आर लिखते हैं तो इसको स्टूडेंट इंटरवल के रूप में लिखते हैं, जिसको हिंदी में अंतराल कहते हैं। अंतराल, अंतराल में इसमें ध्यान रखिए, जैसे जीरो से कम है तो जीरो से कम का मतलब नेगेटिव संख्या होनी चाहिए। आप संख्या रेखा में ध्यान रखें, थोड़ा संख्या रेखा बता दूं, जैसे यहाँ जीरो है और जीरो से नेगेटिव बाईं ओर ना होगा, लेफ्ट ओर होगा। अब लेफ्ट में कहाँ तक गिनती है, माइनस वन हुआ, माइनस टू हुआ, माइनस, ये तो अनंत तक जाएगा। तो अनंत में माइनस और माइनस करो क्या मिलेगा, जीरो से बाईं ओर इन्फिनिटी, और कौन सी इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, ध्यान रखिएगा, कौन सी मिनट में माइनस इन्फिनिटी, और राइट ओर होता तो प्लस इन्फिनिटी मिलता अनंत तक जाते तो, ठीक है। तो यहाँ जीरो से कम बता रहा है, इसलिए इसका जो रेंज होगा वो इंटरवल के रूप में ध्यान दें माइनस इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से और कहाँ तक, जीरो तक, ठीक है, या जीरो से माइनस इन्फिनिटी तक। और ध्यान दो, ये जो इन्फिनिटी तो हम ले दिया, ये अनंत जो है, अनंत को तो कोई पा नहीं सकता, अनंत तो अनंत ही है, तो जब कोई वहाँ तक नहीं पहुँच सकता तो स्टूडेंट अंतराल को छोटे वाले कोष्ठक से लगाते हैं, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, यानी खुला अंतराल। और अगर लेस देन आर इक्वल भी लगा हो तो वहाँ बंद अंतराल लगता है, माने वहाँ तक डिजिट्स पहुँच जाएगी, ये जीरो से कम या जीरो भी ले लिया जाएगा। अगर ये इक्वल का चिन्ह लगा होता तो हम इसमें जीरो नहीं ले सकते, फिर कहाँ से चलते, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन से। अब जीरो भी लगा है, इसका मतलब जीरो भी ले सकते हैं और फिर जीरो से कम भी ले सकते हैं। ये सब लिखने का तरीका क्या है, जो इक्वल भी लगा रहे तो क्लोज्ड इंटरवल लगता है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, बंद अंतराल। ये बंद अंतराल बता रहा है कि आप जीरो भी ले लेंगे, ठीक, जीरो से कहाँ जाएंगे, माइनस की ओर जाएंगे, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी लिख दिया है। इस प्रकार से ये अंतराल के रूप में हो गया और यही इसका रेंज है। और अंतराल को ठीक समझेंगे इनइक्वालिटी जब हम पढ़ाएंगे तो, ठीक है, अब समझते चलिए धीरे धीरे तो सबका सारी बात समझ में आ जाएंगी। अगर इक्वल ना लगा होता तो ये बंद ना लगाते, ओपन, जैसे ये ओपन लगाया है वैसे ओपन इधर लगा देते। अच्छा, इन्फिनिटी में तो ऑलरेडी चाहे वो इक्वल लगा हो चाहे ना लगा हो, वहाँ ओपन ही रहेगा, क्यों, क्योंकि अनंत को कोई पा नहीं सकता, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, और ना पहुँचने का मतलब ओपन, और वहाँ तक पहुँच जाने का मतलब क्लोज्ड, ये क्लोज इंटरवल, इस पर आयताकार बंद कर देते हैं, इसी को क्लोज्ड बंद अंतराल कहते हैं। क्या उसको कहते हैं, क्लोज्ड, समझ जाना, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक। ये हुआ दूसरे का पहला समय क्वेश्चन, ये इसका हम क्या निकाल दिए, इसका हम जो है रेंज निकाल दिए। अब बात आई इसका प्रांत भी, प्रांत पहले निकालना चाहिए, जरा ध्यान दीजिए, प्रांत इसी में बता दें बेटा, प्रांत थोड़ा ध्यान दो, यहीं पर प्रांत भी समझ जाओ, ठीक है। प्रांत को तुम लोग जानते हो, डोमेन कहते हो। प्रांत देखो स्टूडेंट, प्रांत क्या है, यक्स की वैल्यू होती है ना, यक्स की वैल्यू, यक्स की जो मान होता है, तो यक्स का मान स्टूडेंट ध्यान दो, या यक्स लिखा हुआ है, मार लगा हुआ है, तो यक्स में तो कोई मान ले सकते हो, यहाँ कोई प्रतिबंध तो कहाँ नहीं है कि इस इतने से कम ना लो, इतने से ज़्यादा ना लो, तो यक्स में कुछ भी ले सकते स्टूडेंट। इसका मतलब जो प्रांत होगा वो सभी रियल नंबर हो जाएंगे, यानी डेसिमल भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिवाइड वाला हो सकता है, सब कुछ हो सकते हैं, रियल में परिमेय और अपरिमेय, रूट वाली भी हो सकती हैं, सब हो सकता है, केवल कौन सा नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा वाले नहीं हो सकते, वो जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तो उसको बताऊंगा। तो यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट, प्रांत जो होगा वो रियल नंबर होगा, क्या होगा, रियल नंबर, जिसको हम संक्षेप में आर कह देते हैं, ये इसका प्रांत है, ठीक है, ये प्रांत है। सभी संख्याएं इसमें आ जाएंगी, जबकि रेंज जब बताना हुआ तो रेंज आपके शर्त के अनुसार चला, ध्यान देंगे, रेंज को फिर से मैं बताए दे रहा हूँ, ये मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो जीरो से सदैव बड़ा या बराबर होता है, इस प्रकार से लिखा। अगर माइनस ना लगा होता ना तो फिर जानते हो क्या हो जाता है इसका रेंज, इनफिन माने जीरो से बड़ा, ध्यान दीजिए, मान ली थोड़ी देर के लिए माइनस नहीं लगा है, अब इसको भी समझिए, मान लीजिए माइनस नहीं होता, इतना ही होता, ये ना माइनस ना लगा होता, तो क्या कह रहा है कि आप जीरो से बड़ा लेंगे तो जीरो से बड़ा किधर चलता, संख्या रेखा दाहिनी ओर चलता, ऐसे इधर की ओर जाता, इधर प्लस इन्फिनिटी मिलता, यानी जीरो से प्लस इन्फिनिटी की ओर जाता, ये कुछ नहीं तो प्लस माना जाएगा, और ये इक्वल भी लगा है या बंद अंतराल लगाएंगे, और इन्फिनिटी में कभी बंद लगता ही नहीं, ओपन लगता है, तो स्टूडेंट ऐसा वो होता है, क्या हो जाए, ये तब रेंज होता, ध्यान दीजिए, जब निगेटिव ना होता तब। अब नेगेटिव है इसलिए हम उसको माइनस लगा के इनइक्वालिटी को चेंज कर देते हैं, जैसा हमने बताया इनइक्वालिटी में अगर चिन्ह बदल देते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, लेस लगा ग्रेटर लगा था ये लेस हो गया,
ठीक है। अब इसी को पूरे को हमने फंक्शन माना है, ये चाहे एफ एक्स लिख देते और उसी एफ एक्स को वाई कहा जाता है, ये वाई लेस देन आर इक्वल जीरो हुआ। इसका मतलब हुआ जो ये रेंज है वो जीरो से कम या बराबर, तो जीरो से कम माइनस की हो जाएगा या बराबर जीरो भी ले लेंगे। इस प्रकार से बंद अंतराल को क्लोज इंटरवल से इन्फिनिटी है तो ये ओपन इंटरवल चलेगा, तो ये इसका रेंज हो गया। ध्यान दीजिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और डोमेन और रेंज निकालना बहुत टफ भी होता है। अभी छोटा छोटा प्रश्न पढ़ रहे हो, आगे तुमको हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बताएंगे और उसमें सुपर ट्रिक के नाम से लिमिट इसका बताएंगे, रेंज और डोमेन को, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू, इसी का दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है 9 - x2, इसका आपको प्रांत डोमेन और परिसर यानी रेंज बताना है। इसको स्टूडेंट समझिए, सबसे पहले आप डोमेन बनाएंगे, डोमेन निकालेंगे, ठीक है। डोमेन अब जैसे जानते हैं डोमेन जिसको हिंदी में प्रांत कहते हैं, यानी पहले वाले सेट का होता है, यानी एक्स का मान होता है। अब इसको देखो रूट लग गया है, जैसा आप जानते हो छोटे कक्षाओं में पढ़े हो, करणी के अंदर ने रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट नेगेटिव हो जाएगा तो अभी तुम लोग 11 पढ़ रहे हो कि -1 अगर लिखा है तो ये आयोटा आई कहलाता है, ये कॉम्प्लेक्स है, रियल नहीं हो सकता। अरे मैंने अंडर रूट अगर -5 है तो वास्तविक नहीं हो, ये काल्पनिक माने जाते हैं। क्या मानते हैं? काल्पनिक, यानी हिंदी में देता हूँ काल्पनिक या इमेजरी नंबर, यानी इमेज लेता हूँ इमेजिनरी नंबर, ठीक है। काल्पनिक संख्या क्या बताते हैं? काल्पनिक, ठीक, काल्पनिक, काल थोड़ा ध्यान दो, काल्पनिक ये। अभी सब अगला चैप्टर जब से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का शुरू करूँगा तो सब इतमान से बताऊँगा। कहने का मतलब स्टूडेंट कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो क्या होगा फिर? कम से कम जीरो हो सकता है, भाई जीरो तो नेगेटिव होता नहीं है, जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। इसलिए स्टूडेंट प्रांत बताने के लिए हम कहेंगे कि 9 - x2 > r = 0 होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं, सारी बात समझ में आ रही है इस प्रकार। अब स्टूडेंट इसके बाद क्या करना चाहिए थोड़ा समझिए, x को हमेशा पहले लिखा जाता है तो इसमें क्या करें हम, x कैसे पहले हो, मान साइन का मल्टीप्लाई करा दें, अगर चिन्ह गुणा करा देंगे तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, माइनस से गुणा कर देते हैं, चलिए माइनस से गुणा करा दें, इस प्रकार 9 - x2। अब गुणा कराएंगे तो मैंने बताया इनइक्वालिटी बदल जाएगी, बड़ा है तो छोटा हो जाएगा, इक्वल तो रहेगा ही, है ना। अब जीरो जीरो ही, ये जीरो माइनस से गुणा कराओगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा ये खोल दीजिए तो ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, यानी क्या हो गया x² - 9 < r = 0 हो गया। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए, अब सब ट्रिक चल रहा है, बढ़िया ध्यान दीजिए, अब सब नए नए टेक्निक चल रहे हैं। तो ये a² - b² 3 कवर कर लीजिए तो क्या होगा, ये x + 3 * x - 3 < 0 हो गया। ये इसमें दो फैक्टर बन गए जो कि < or = 0 है। अब इसमें इसके द्वारा आप डोमेन निकालना है, डोमेन का इंटरवल बताना है, तो ये नंबर लाइन सिस्टम से निकालते हैं। ये नंबर लाइन क्या है, संख्या रेखा पर जरा ध्यान दीजिए, अब ये आप समझने का प्रयास करें, अब ये सब नई नई चीज़ें हैं आपके लिए। इस प्रकार की लाइन खींच लिया, जितने ये पॉइंट मिलते हैं इन पॉइंटों को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट यानी क्रांतिक बिंदु कहते हैं। जैसे ये दो होगा, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, पावर में भी हो सकता है, भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे होते हैं, वो सब सीखोगे तुम लोग यहाँ पर। अब तो ध्यान दो, इसको अगर जीरो ग्रह करते हो तो x = -3 हो जाएगा, और इसको अगर जीरो ग्रह करते हो तो x = 3 हो जाएगा। तो दो पॉइंट मिले कौन कौन, -3 इससे मिला और 3 इससे मिला, वो क्रिटिकल पॉइंट है, ये उसी पॉइंटों को यहाँ रखना है। तो ध्यान दो, -3 का इधर होगा ना, तो ये पहले यहाँ -3 लिख दिए, और 3 तो उधर होगा, 3 इधर लिख दो, भाई इधर दाहिना होता है इधर लेफ्ट होता है, वैसे यहाँ 3 से इधर घटते हैं, जैसे संख्या में लिखा जाता है उतना लिखेंगे, मन में सोचेंगे हाँ कहीं 0 होगा लेकिन लिखेंगे नहीं, उतने पॉइंट यहाँ भरेंगे नंबर लाइन में जितना ही क्रिटिकल पॉइंट है मिलेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए बेटे, आप लोग समझें, इसके बाद क्या करते हैं, ये दाहिने ओर से यानी +2x समझ लो, इधर से प्लस साइन लगा के चलते हैं, प्लस से शुरुआत करते हैं, प्लस फिर माइनस फिर प्लस,
माने इधर से ये तीन भाग में बढ़ गया। देखो माइनस इन्फिनिटी से माइनस तीन तक है ना एक खंड हो गया, माइनस थ्री से प्लस थ्री दूसरा पार्ट हो गया हिस्से कह लीजिए, अब प्लस थ्री से प्लस इन्फिनिटी तक तीसरा पार्ट हो गया। माने दो क्रिटिकल पॉइंट रहेंगे तो तीन भाग बढ़ जाएंगे, एक क्रिटिकल पॉइंट होगा तो दो भाग में बढ़ जाएगा, और तीन क्रिटिकल पॉइंट होंगे तो चार भाग बढ़ जाएगा। जितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे उससे एक ज़्यादा उसका पार्ट हो जाएगा नंबर लाइन पर, ठीक है। हाँ ये नियम बता रहा हूँ। दूसरा कि मैं ये बताया हूँ कि दाहिनी ओर से प्लस से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे प्लस से चलेंगे, हाँ प्लस से चलेंगे तो ये हम प्लस लिख दिए, प्लस से चले हैं, प्लस से चलेंगे तो ये हो जाएगा। अब इधर प्लस लिए फिर ये माइनस लिखा, यही नियम अल्टरनेटिंग क्रम में दाहिनी ओर से पॉजिटिव साइन से चलना चाहिए डोमेन बताने का, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ये स्टूडेंट समझ लीजिए, यही टेक्निक है, इससे बहुत बड़े बड़े भी डोमेन रेंज निकाल लेंगे आगे सब मैं सिखाऊंगा। तो ये तो कर दिया आपने आपकी अल्टरनेटिंग क्रम में प्लस माइनस चला, जो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ मिले वो मैं यहाँ रख दिया, ठीक। अब सोचिए क्या करेंगे इसके बाद, कौन सा इंटरवल होगा, कौन सा इसका प्रांत होगा, ध्यान दें। अब इसको समझिए अपने प्रश्न को, यही प्रश्न आपका है, ये दोनों फैक्टर क्या बने, जीरो से क्या है कम है ना, लेस आर इक्वल, लेस देन और इक्वल कहते हैं, तो ये जो फैक्टर है ये जीरो से कम है तो ये बराबर तब कौन, तो जीरो से कम वाला क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ज़रा सोचो कि नंबर लाइन में कौन नेगेटिव है, तो नेगेटिव ये है तो माइनस थ्री से प्लस थ्री ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट इसका जो प्रांत हुआ जो डोमेन हुआ उसमें यक्स कह देते हैं यक्स बिलोंग टू है ना कहाँ से कहाँ तक माइनस थ्री से प्लस थ्री तक, क्योंकि लेफ्ट में कम लिखा जाता छोटा भाई बाएं ओर छोटा होगा राइट ओर बड़ा गिनती होगी, तो माइनस थ्री से थ्री लिखा। अब इसके बाद आता है कि कौन सा इंटरवल लगाएं ओपन में कि क्लोज्ड में, ध्यान दें तो यहाँ आपका चित्र चिन्ह बता रहा है इक्वल भी लगा है, इसलिए प्यारे स्टूडेंट कौन सा लगाएंगे क्लोज्ड इंटरवल आपको लगाना होगा। क्लोज्ड का मतलब ये होता है उस डिजिट्स को भी पकड़ लेना है, माइनस थ्री भी इसमें आ जाना है और इधर प्लस थ्री भी आ जाना है, अगर ये इक्वल ना लगा होता तो हम ये चिन्ह लगाते, फिर हम ऐसा चिन्ह लगाते माइनस तीन से ऐसा लिखते और उसमें ये कहा जाता कि माइनस तीन नहीं आ सकता और तीन नहीं आ सकता, तो फिर कहाँ से कहाँ तक आता, चूँकि ये नंबर लाइन रियल नंबर का है तो इससे माइनस तीन से तीन के बीच नहीं, भाई तीन से क्या होगा, तीन से छोटा क्या होगा 2.9 तक जा सकते उधर, इधर माइनस तीन से क्या चीज़ माइनस तीन से बड़ी ना कहोगे तो माइनस तीन से बड़ी कौन होगी माइनस 2.9 होगा, ठीक। इस प्रकार से अंतराल होता, मैं थोड़ी देर समझा रहा हूँ, ये भरना आता है ना, क्योंकि तो निगेटिव में जो संख्या छोटी वही बड़ी मानते हैं, तो माइनस तीन माइनस चार तो छोटी हो जाएगी, तो माइनस तीन से अगर बड़ी आना बड़े लाना है तो आपको निगेटिव में छोटी संख्या बतानी होगी, ठीक। तो कहने का मतलब ये इक्वल लगा था इसलिए क्लोज इंटरवल लगाया स्टूडेंट, अब मेरा मानना है कि तुम लोग समझ गए होगे यही इसका प्रांत हो गया, क्लियर हुआ, ये समझ में आ गया होगा। अब इसका रेंज समझिए, रेंज रेंज जिसको आप लोग परिसर कहते हैं, इसको मैं इतमान से इसलिए सिखा रहा हूँ कि एक जान जाओगे सब अपने से कर लोगे। रेंज देखिए, जैसे जानते हो रेंज मीन्स एफ एक्स यानी वाई की वैल्यू या वाई एक्स है ना, वाई एक्स में होता है तो रेंज एक्सएस में होता है, एक्सएस तो प्रांत होता है यानी वाई मान समझ लेना। अब आपका प्रश्न क्या था, प्रश्न है एफ एक्स बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक। तो परिसर बताना है तो एफ एक्स का तो वाई मान ही लिया जाए, वाई होता ही है तो 9 माइनस एस रूट, अब ये स्क्वायर हटा रूट हटाएंगे ना तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को पक्षांतर के इधर लाएंगे वाई उधर ले जाएंगे, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इधर आ गया इज इक्वल टू कर दिया 9 माइनस वाई स्क्वायर ऐसा कर दिया, ठीक। फिर इसके बाद एक्स निकालेंगे तो 9 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, इस प्रकार से इसको समझिए। जैसा प्रश्न था चूंकि प्रश्न रूट में है तो यहाँ पर जो हल करने जा रहे वो भी रूट में ही होना चाहिए। एक हम आपको ट्रिक और बताएंगे अभी, अच्छा जो बेसिक रूट रहे जिसमें बेसिक रूट समझते हो, बेसिक स्क्वायर रूट माने बेसिक माने अपने आप उसमें स्क्वायर रूट लगा हो, देखो अपने आप कैसे ये प्रश्न ये था ना उसी को, जबकि ये वही चीज़ ये है ध्यान दीजिएगा, लेकिन फर्क है, फर्क ध्यान दो अभी सब कुछ समझ जाओगे। डोमेन रेंज की अनंत सागर कहानी समझिए, डोमेन रेंज बहुत टफ मीव है लेकिन सब बिल्कुल सरल हो जाएंगे तुमको, मैं ऐसी ट्रिक बता दूंगा। तो यहाँ ओरिजिनल स्क्वायर रेट माने अपने आप प्रश्न में दिया है, इसलिए जो ये एफ एक्स का मान आएगा यानी जो वाई का मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा,
कब, जब स्क्वायर रूट ओरिजिनल फॉर्म में दिया रहे तो, ये ओरिजिनल फॉर्म में दिया था है ना, उससे हम वर्कर कैसा बनाए हैं, फिर उसी प्रकार के रूट फिर लगा दिए हैं, तो यहाँ से पता चलेगा कि ध्यान दें, जैसे जानते हो रूट के अंदर वाला मान ऑलरेडी पॉजिटिव होना चाहिए है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो तक हो सकता है, क्लियर, जीरो से कम नहीं हो सकता, जीरो से ज़्यादा हो सकता है। फिर इसके बाद हमने बताया कि एक्स हो या वाई हो उसको पहले लिखना चाहिए है ना, उसको ज़्यादा अच्छा सुटेबल रहता है, इसलिए बाकी इसमें भी हो सकता है, तो वाई को हम पहले का चाहते हैं तो क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। और हम बता चुके हैं इनइक्वालिटी में अगर चिन्ह बदलते हैं तो इनइक्वालिटी बदल जाती है, लेस ग्रेटर रहेगा तो छोटा में लेस हो जाएगा, लेस हो तो ग्रेटर में, और ग्रेटर हो तो लेस में जाएगा, तो माइनस से गुणा कराता हूँ, जब माइनस गुणा कराऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर माइनस नाइन है, ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल जीरो। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको देखो, इसको फैक्टर कर लीजिए फिर से, तो क्या होगा वाई प्लस थ्री और वाई माइनस थ्री हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल जीरो हो जाएगा, ये प्रकार का फैक्टर बन गया जैसे वहाँ डोमेन में बना था। ठीक, अब इसको फिर नंबर लाइन में आप रखेंगे, फिर हम आपको बताते हैं, देखिए अब इसको नंबर लाइन में रखिए, हर बार ये नंबर लाइन रखिए तो कहीं कोई आपको समस्या नहीं आएगी, ध्यान दीजिएगा। इससे कितने क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, जैसे एक तो मिलेगा क्या, वाई प्लस थ्री था तो वाई बराबर माइनस थ्री हो जाएगा, तो माइनस थ्री क्रिटिकल पॉइंट मिला, माइनस थ्री क्रिटिकल, समझते हो ना, क्रांतिक बिंदु कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्रांतिक बिंदु है, वो नंबर लाइन में रखने के पॉइंट मिल जाते हैं, उसी के अंतराल में, उसी से अंतराल निकलता है, इंटरवल निकलता है, और फिर वाई माइनस थ्री है तो उसको बराबर जीरो करोगे तो वाई बराबर थ्री हो जाएगा, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट थ्री हो जाएगा, ये नंबर लाइन बन गया। अब इसमें ध्यान दिए, जैसे मैं बताया हूँ ये नंबर लाइन से इंटरवल अंतराल रेंज बताना है तो दाहिनी ओर से प्लस से चलते हैं, प्लस लिखा जाता है, ये रूल समझ लो, प्लस फिर बीच वाले इंटर तीन पार्ट बढ़ गया, इधर से एक पार्ट, माइनस इन्फिनिटी से माइनस तक एक पार्ट, माइनस थ्री तक दो दूसरा पार्ट, और थ्री से प्लस इन्फिनिटी तक तीसरा पार्ट हो जाएगा, तो ये प्लस लिखा तो फिर बीच वाले में क्या हो जाएगा, ए अल्टरनेट प्लस फिर माइनस, माइनस नहीं शुरू करेंगे तो सोचो माइनस फिर प्लस, ऐसा नहीं, पहले प्लस, अब चाहे समझ समय पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि वाई प्लस थ्री आई इंटू वाई माइनस थ्री लेस देन आर इक्वल जीरो, इसको सोचो ये पूरा मान क्या है, जीरो से कम है ना, तो जीरो से कम क्या होता है, निगेटिव होता है, तो समझ जाओ कि माइनस तीन से प्लस तीन के बीच में होगा, ध्यान दीजिए क्या होगा, वाई जो बिलोंग होगा माइनस थ्री से थ्री तक होगा, ठीक है समझे रहिए, और क्लोज इंटरवल के इक्वल भी लगा है, जब कभी इक्वल लगे तो क्लोज होता है, क्लोज इंटरवल, क्योंकि वहाँ तक गिनती आ जाएगी, माइनस तीन भी होगा और तीन भी होगा, इसका मतलब हो गया, ठीक इतना तो समझ में आ गया, लेकिन अभी रेंज ये नहीं हुआ, थोड़ा समझिए है ना, हाँ रेंज परिसर अभी ये नहीं हुआ, कंप्लीट परिसर, हमने एक शर्त बताया, उस शर्त को फिर से दोहराए दे रहा हूँ ताकि एक प्रश्न को ठीक समझ लो, टाइम देकर सब क्वेश्चन समझ में आ जाए। प्रश्न ये था, सब लोग समझो इसको भाई, या फिर एक्स जो यहाँ पर बैठे वो भी समझे, नाइन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, इसको क्या बोलेंगे, बेसिक स्क्वायर रूट, मतलब हम बनाए नहीं हैं क्योंकि ये खुद ही प्रश्न में ऐसा दिया है, जब कभी बेसिक रूट रहेगा तो वाई का जो ये वाई तो होता है, इसी तो वाई कहते हैं, ये वाई का मान ऑलरेडी पॉजिटिव हुआ करता है, एक रीजन, अब दूसरा रीजन बता दो क्यों पॉजिटिव होता है, चलो एक्स का मान रखिए आप, तो एक्स का मान निकाले थे ना, कितना निकाले थे, माइनस तीन से प्लस तीन तक निकला था एक्स का मान, ये नहीं था एक्स का मान, एक्स बिलोंग टू, अब रखिए आप माइनस तीन, जब माइनस तीन रखोगे तो क्या होगा, नाइन एक्स माइनस तीन का वर्ग तीन हो जाएगा, तीन माइनस तीन का वर्ग नाइन हो जाएगा, तो नाइन माइनस नाइन का रूट जीरो हो जाएगा, ठीक जीरो के बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक अब आप माइनस तीन से बड़ा ना रखोगे, माइनस तीन से बड़ा माइनस दो होगा, तो माइनस दो का जब वर्ग करोगे तो चार हो जाएगा, नौ में से चार घटेगा पाँच आ जाएगा, ठीक फिर इसके बाद यहाँ इसमें करते चले जाइए, यहाँ तक कहाँ तक जाएंगे आप, तीन रखेंगे, तीन तीन रखा नौ हो जाएगा, तो कहीं आप देख रहे हो कि निगेटिव मिल रहा है आपको, मान जब नौ तीन माइनस तीन रखे तो जीरो हुआ, माइनस दो रखे तो रूट पाँच हुआ, एक रखोगे तो एक नौ में से एक गया आठ, आठ का रूट टू रूट टू हो जाएगा, जीरो रखोगे तो तीन मिल जाएगा, प्लस तीन रखोगे तो फिर जीरो मिल जाएगा, तो कहीं भी इसमें वाई का मान निगेटिव नहीं आया, देख रहे हो क्यों, क्योंकि यक्स जो डोमेन होगा उसी में से रखोगे, मनमान तो रखोगे नहीं, और दूसरी बात ये भी तुम जान लो, जब रूट लगा है तो रूट के अंदर क्या निगेटिव संख्या रख सकते हो क्या,
कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हो तो बात अलग है, कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी अलग है, जिसको हिंदी में समरी संख्या कहते हैं। वहाँ का नियम ये है, रूट के अंदर नेगेटिव हो है अगर तो उसको आई पढ़ते हैं, जिसको हम आयोटा कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी संख्या है, ये वास्तविक कदापि नहीं माना जाता। तो यहाँ तो वास्तविक तो पढ़ कॉम्प्लेक्स तो पढ़ नहीं रहे हो, यहाँ तो पॉजिटिव संख्या आनी चाहिए। इसलिए स्टूडेंट यहाँ से क्लियर होता है कि जो वाई का मान होगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो हम अंतराल निकाले हैं माइनस तीन से तीन तक, इसमें देखो माइनस तीन से कहाँ तक नहीं होगा, जीरो तक वाला नहीं होगा। तो यहाँ से कौन सा होगा, जीरो से तीन तक। फिर मैं समझाई दे रहा हूँ, यहाँ कहने देखो माइनस तीन, फिर कहीं मान लो जीरो मिलेगा, फिर कहीं तीन मिलेगा, बीच में और गिनती है, माइनस दो माइनस एक भी है, जीरो है। तो ये वाला जो है इसमें कट जाएगा, ये नहीं होगा, जीरो से तीन तक वाला ही ये मान होगा। क्या ये बात समझ में आई, काहे का मान है, वाई का मान। ये क्यों कटा ये आपको समझना है, ये सारी बात बताया गया जा रहा है, ये क्यों नहीं हुआ। जबकि यहाँ से देखने तो लग रहा है यार वाई का मान माइनस तीन से तीन कह दो, ये गलत हो जाएगा तुरंत, है ना। बेसिक स्क्वायर रूट है तो बेसिक स्क्वायर रूट ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। बेसिक स्क्वायर रूट माने पहले से रूट लगा, अगर पहले से ना होता स्क्वायर में होता तब वो हो जाता माइनस प्लस, अगले मैं बताऊंगा उसको भी, ठीक है। ये डोमेन और रेंज पढ़ाना शुरू हो गया है, इसके अनंत सागर चीज़ें हैं, हम सब सिखाएंगे आपको और इसके सुपर ट्रिक भी बताएंगे इसकी। तो इस प्रकार से यहाँ रेंज क्या हुआ, तो आप लिख देंगे इसका जो रेंज हुआ वो जीरो से थ्री तक होगा, और चूँकि इक्वल तक था लगा था, इक्वल लगा हुआ है, इसलिए क्लोज इंटरवल अवश्य लग जाएंगे, ये रेंज आंसर होगा, ठीक। इसको समझिएगा, अक्सर लड़के गलती करेंगे, वो इसको कह देंगे माइनस तीन से तीन, डोमेन तो बता ले जाते हैं, रेंज में फंस जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए इस प्रकार से, हाँ, एक फंक्शन है या एक्स, वो क्या चीज़ है, वो है टू एक्स माइनस फाइव द्वारा डिफाइन है, परिभाषित है। तो आपको पूछ रहा है आपसे कि एफ जीरो का मान क्या होगा, एफ जीरो का मतलब जो भी फंक्शन दिया हो एक्स में आप जीरो बैठा दीजिए बस, है ना, एक्स के सम जीरो रखिए, टू इंटू जीरो माइनस फाइव, तो ये दो में जीरो से जीरो हो जाएगा, माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस फाइव हो जाएगा, ये तो बड़ा आसान है। इसी प्रकार से लिखा है एफ सेवन बताओ, तो एफ सेवन में सात रख दो, टू इंटू सेवन माइनस फाइव, सात दूनी चौदह, चौदह में से पाँच घट जाए नौ हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है एफ माइनस थ्री रख दी बताइए, जो ये टू इंटू माइनस थ्री माइनस फाइव, तीन दूनी छः माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस इलेवन। इस प्रकार सब आंसर होते जाएंगे, जो भी है बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, ठीक है। इसमें वही डोमेन रेंज सबसे हार्ड है, वो हम इसमें इसीलिए आपको विविध भी पढ़ाएंगे, वो विविध बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर चौथा इसको देख लीजिए, ये फलन टी सेल्सियस तापमान का फारेनहाइट तापमान में एक मैपिंग प्रतिचित्रण दिया हुआ, जो नहीं बताया ओवेन डायग्राम बनाते हैं उसी को प्रतिचित्रण कहते हैं, है ना। जो एक फार्मूला दिया है सूत्र टी सी, मतलब टी टेम्परेचर हो गया, और सी माने सेंटीग्रेड में है, सेल्सियस पैमाना कहते हैं, ये दिया हुआ है 9C डिवाइड बाई 5 प्लस 32, इतना दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित है। तो आप निम्नलिखित के मान बताइए, है ना, कहे कहे मान पूछा है। नंबर एक पूछा हुआ है टी जीरो, इसका मतलब टी में टेम्परेचर हो गया, सी माने उस सेल्सियस में जीरो रख दीजिए, तो रख दीजिए सी में जीरो, जैसे ऊपर वाला था वही सवाल है ये, तो 9/5 × 0 प्लस 32, तो ये तो सब जीरो बन गया, बराबर 32 हो गया, बस 80 हो गया। नंबर दो इसमें देखिए, इसे सब कर लोगे तुम लोग, अब इसको हम छोड़ रहे हैं, T28 ये कितना होगा, 9/5 × 28 सब गुणा भाग, तुम लोग इंटर के स्टूडेंट हो, 11th के हैं, सुप्रीम स्टूडेंट हो, सब फटाफट बन जाएगी, इसको गुणा करो, 5 से डिवाइड करो, और प्लस 32 जोड़ दो, सब कर लोगे, जो भी आ जाएगा मेरा मानना है सब कर ला लोगे। अब ये इसको यहीं पर, अच्छा एक सवाल इसमें मैं बताता हूँ तुम लोगों को, फोर्थ नंबर बेटा ये थोड़ा ध्यान दीजिए, सेकंड के बाद फोर्थ बताता हूँ। कहता है सी का मान बताओ, जब टी सी बराबर दिया गया है 212, ठीक 212 दे दिया गया है, अब इसका मतलब टी सी दे दिया खुदा, तो कहता है सी का मान बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, तो उसी फार्म रख दीजिए, टी सी कहाँ है, ये देखो टी सी है, टी सी में 212 बैठा दो, 212 इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 32, इसको सॉल्व कर लीजिए, 32 इधर ला लीजिए, 32 जब 212 माइनस 32 हो जाएगा इज इक्वल टू 9/5C हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देन इम्प्लाइज यहाँ लिखा, 2 + 2 गए 0 हुआ, अब एक उधार लिया 11, 11 + 3 8 हो जाए, 3 × 11 1 × 1 ठीक है स्टूडेंट, 180 हुआ, बराबर 9/5C।
और यही काट दीजिए, 9 से 9 दूनी 18 जीरो हो जाएगा, अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बराबर कितना हो जाएगा 100, सी बराबर 20 × 500। इस प्रकार से सी बराबर हो जाएगा 100। ये 100 सेल्सियस कह सकते हो क्योंकि सेल्सियस में है ही है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सी माने सेल्सियस होता है, ये डिग्री सेंटीग्रेड पहचान है उसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से ये चौथा हो गया। अब पांचवा बताता हूँ, ठीक, पांचवा भी देख लीजिए, बड़ा बहुत अच्छा सवाल है। बताइए प्रत्येक फंक्शन का फिर रेंज पूछ रहा है, रेंज देखिए सब लोग, एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन एफ एक्स बराबर 2 − 3x लिख दिया गया है, और बगल में लिखा एक्स बिलोंग टू आर रियल नंबर, और सर लिखा है एक्स ग्रेटर देन जीरो, इतनी बात लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा रेंज, इस बार केवल रेंज बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए ठीक से। रेंज माने पता है ना, वाई की वैल्यू, एफ एक्स को ही वाई कहते भी हैं, ध्यान दीजिएगा ना, रियल नंबर है और एक्स ग्रेटर देन जीरो इसको लेके चलिए, और इसका मान फिर कैसे होगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या गिवन है, साल है, रेंज बताने का सॉल्व करने जा रहा है। चलिए जो गिवन शर्त है एक्स ग्रेटर देन जीरो, इक्वल नहीं लगा है तो हम भी नहीं लगाएंगे, ध्यान दीजिए जैसा लगाए वैसा ही करेंगे अपने से कुछ नहीं। ये फिर अब इसके बाद देखिए इसमें, अब प्रश्न को चेक करिए, देखिए प्रश्न में एक्स के बगल में -3 लगा है, तो आप डायरेक्ट -3 मत लगाइए, ध्यान दीजिए इसमें इनइक्वलिटी पढ़ रहे हो, जिसको हिंदी में असामिका कहते हैं, अभी इसका एक अलग से चैप्टर है, पढ़ाऊँगा मैं उसको असामिका को, है ना, इनइक्वलिटी को। तो यहाँ सबसे पहले 3 से गुणा करा दीजिए, क्योंकि 3 कह रहा है कि एक से बराबर 3 लिखो, 3 लाओ, तो 3 से गुणा करा दिया, इधर कराऊँगा उधर भी कराऊँगा, उधर जीरो ही रहेगा। फिर देखो, फिर इनइक्वलिटी में माइनस से जब गुणा करते हैं तो क्या होता है, इनइक्वलिटी का चिन्ह बदल जाता है, तो जब माइनस से गुणा कर दिया तो ये जो बड़ा का चिन्ह लगा है अब छोटा हो जाएगा, ग्रेटर था तो लेस हो गया, इधर जीरो ही रहे, क्योंकि जीरो में तो माइनस से गुणा करने कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, जीरो जीरो ही होता है, यहाँ तक पहुँच गए। अब इसमें ध्यान दो कि -3 इसके बगल में 2 भी लिखा हुआ है, तो आप इसमें क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे तब तो मिलेगा, क्योंकि 2 तो पॉजिटिव है, इसके बगल में प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ दोनों पक्ष में 2 जोड़ दीजिए, तो लिखेंगे 2 − 3x < 0 + 2, यहाँ भी जोड़ दिए दो, तो ये हो गया 2 − 3x < 0 में 2 जोड़ेंगे, या 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 ही रहेगा, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। उसको समझ में आ गया ठीक से, सबसे पहले जो शर्त दिया था वो आप शर्त लिखेंगे, शर्त एक्स ग्रेटर देन जीरो है वो लिखा, कि जितना 3 या 5 कहते तो 5 से गुणा कर देते, 10 कहते थे जो भी कहता कर देते गुणा, अब चूंकि माइनस है इसलिए हम चिन्ह जब इनइक्वलिटी में बता चुके हैं, इनइक्वलिटी में अगर साइन बदलते हैं, चिन्ह बदलते हैं, तो इनइक्वलिटी का चिन्ह बदल जाता है, यानी बड़ा रहेगा तो छोटा, छोटा रहे तो बड़ा, ग्रेटर रहेगा तो लेस, लेस रहेगा तो ग्रेटर। अब उसके बगल में 2 लिखा है तो 2 एड प्लस कर किया हुआ है, तो हम दोनों पक्षों में दोनों 2 से जोड़ रहे हैं, जोड़ दिया, इतना तक पहुँच गए। अब इसमें ध्यान दो, ये क्या चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है ना, देखो ये कितने एफ एक्स के बराबर है, और उसी एफ एक्स को वाई कहा जाता है, तो क्या ये चीज़ वाई के बराबर है कि नहीं बताइए, क्योंकि रेंज बताना हमने बताया, रेंज को वाई कहते हैं, तो वाई लिख देते हैं, या फिर लिख सकते थे लेस देन 2, इक्वल नहीं लगा प्रश्न में, इक्वल नहीं लगाऊंगा, इक्वल लिखा होता तो इक्वल भी लगा देता, तो ये इसका मतलब समझ जाए, रेंज आ गया आपका, क्या रेंज आया, वाई, वाई की रेंज है कितना है, 2 से कम है ना, 2 से कम है, और 2 से कम किधर जाओगे, प्लस धन की ओर कि ऋण की ओर, 2 से कम माइनस की ओर जाएंगे, है ना स्टूडेंट, ध्यान जैसे नंबर लाइन, यहाँ ये से समझ नंबर लाइन कर लीजिए। अब 2 आप यहीं 2 लिखिए, अब 2 से कम कहा तो भाई इधर की ओर आएंगे, लेफ्ट की ओर लिखिए, 2 के बाद फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर निगेटिव शुरू हो जाएगा, -1 −2, अब इस कहाँ तक जाओगे, कोई सीमा है, कहीं सीमा नहीं है, अनंत तक जाओगे, इनफाइनाइट, तो -∞ लिखते हैं इस प्रकार, पढ़े हो ना इस प्रकार से, हम -∞ कह देते हैं, वेरी गुड, ये हो गया। तो इसका मतलब होगा यही आपका रेंज बनने जा रहा है, बस अर्थ इसको इंटरवल में लिखना चाहिए, हिंदी में अंतराल कहते हैं, वो कैसे लिखा जाए, ये लिखा जाएगा -∞ से यहाँ कम लगा देंगे और 2 तक जाएगा, और इक्वल लगा ही नहीं है, ये भी जानते इन्फिनिटी अगर है तो हमेशा वो ओपन रहेगा, वो तो इन्फिनिटी तो कभी कोई पा ही नहीं सकता, वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, इस ओपन रहेगा। इधर 2 तरफ देखिए, चूँकि यहाँ इक्वल नहीं लगा है इसलिए यहाँ भी छोटा कोष्टक यानी ओपन इंटरवल लगेगा, कहने का मतलब ये है इस रेंज में 2 नहीं हो सकता, 2 से कम 1.99 सब कुछ हो सकता है, क्योंकि रियल है, यही नेचुरल होता तो 2 से कम 1 होता,
अभी रियल है तो पॉइंट भी चलते हैं, सब जानते हो तुम लोग रियल नंबर को। यही बेटा वाई है, यही आपका रेंज है, ठीक। रेंज कह दें, रेंज वाई लिख देते हैं, वाई बिलोंग टू, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया ठीक से। एक और बता देता हूँ, है ना, बस बस। हाँ पाँचवें से एक क्वेश्चन और बता दूँ, फिर तीसरा तुम लोग करना। पाँचवें का पहला, पाँचवें का दूसरा, फंक्शन या फिर एक्स को मजबूत हो जाए, जिससे सब लोग, आप लोग वो अच्छे से रेंज जान लीजिएगा। और देखिए सब लोग कहाँ कहाँ सब लोग पढ़ रहे हो, सब कंपेरिजन करके स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए खूब अच्छे से। जहाँ खूब अच्छा समझ में आवे, अच्छे से समझ में आवे, वहाँ ज़रूर उसको पढ़ना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस टू लिखा है और एक्स एक बिलोंग टू रियल नंबर लिख दिया, रियल नंबर जानते हो, तो कहता है उसका रेंज बताइए, ठीक। आप दिमाग लगाइए, समझिए। यहाँ तो ग्रेटर नहीं लिखा है, यहाँ ये शर्त एक्स स्क्वायर लिखा है। स्टूडेंट आप जानते हो एक्स स्क्वायर किसी का स्क्वायर है, क्या वो कभी निगेटिव हो सकता है? माने माइनस दो का वर्ग लगा हो तो क्या ऋण में आएगा? माइनस दो का वर्ग तो प्लस फोर होगा। यानी कहने का मतलब स्क्वायर है अगर तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, तो स्क्वायर की वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है? तो स्क्वायर की वैल्यू कम से कम जीरो हो सकती है, हो सकती है ना, कम से कम जीरो, जीरो होगी या जीरो से ज़्यादा होगी, ठीक। तो एक्स स्क्वायर कम से कम, तो कैसे लिखा जाए कम से कम को, ध्यान दो इस प्रकार, जीरो कम से कम, लेस कम से कम कितना, ये नोक तरफ कम से कम है, तो ये दिख रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर का जो मान है कम से कम जीरो। अच्छा, जीरो ये इक्वल नहीं लगाएंगे, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का मान जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा बता रहे हो। अब अगर इक्वल लिख गया बेटा तो ध्यान दे, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर का मान कम से कम जीरो हो सकता है। अरे भाई जीरो का एक्स में जीरो बैठा दें तो जीरो का जीरो हो जाएगा, एक बैठाएंगे एक कवर एक होगा, दो बैठाएंगे दो कवर चार हो जाएगा, तो कम से कम जीरो और जीरो से ज़्यादा अनंत तक। अच्छा, ऋण मान लो ऋण दो लिखता हूँ तो ऋण दो का वर्ग तो स्टूडेंट चार प्लस हो जाएगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं। इससे स्पष्ट होता है स्क्वायर अगर कहीं लिखा है वो मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कम से कम वो जीरो हो सकता है। इसलिए